हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेलिंग इन डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट। इसके बारे में आज हम समझेंगे। हमें ये डिसाइड करना है कि हम अपने प्रोडक्ट को डोमेस्टिक मार्केट में सेल करें या फॉरेन मार्केट में सेल करें। अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में सेल करेंगे तो उसमें मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, और अगर हम फॉरेन मार्केट में बेचेंगे तो उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। भाई बट ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर हम एक बिजनेसमैन हैं तो हम अपना फ़ायदा ढूंढेंगे। जहां मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा मैं वहीं पे अपने गुड्स को सेल करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम सेलिंग इन डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट। क्या है इसका मतलब, इसको समझते हैं। ए मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स और थिंग्स विल कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स बिफोर टेकिंग द डिसीजन ऑफ सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट इन द डोमेस्टिक मार्केट और इन द फॉरेन मार्केट। हम चीज़ों को क्या डिसाइड करेंगे, कैसे चीज़ों को डिसाइड करेंगे, उसके लिए हमारे यहाँ पे चार पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन द डोमेस्टिक मार्केट। क्या है डिमांड उस प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट कौन से मार्केट में सबसे ज़्यादा है, डोमेस्टिक मार्केट में सबसे ज़्यादा है या फॉरेन मार्केट में सबसे ज़्यादा है। अगर डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा सेल है तो बट ऑब्वियस सी चीज़ हम गुड्स वहाँ बेचेंगे, और अगर फॉरेन मार्केट में ज़्यादा सेल है तो गुड्स हम वहाँ भेजेंगे। सेकेंड चीज़, सेलिंग प्राइस। हमको सबसे ज़्यादा गुड्स की वैल्यू कहाँ रिकवर हो पाएगी, हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ रिकवर हो पाएगा, हम उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हमें गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में सेल करना है या फॉरेन मार्केट में। इसके अलावा हम ये भी डिसाइड करेंगे कि जिस भी कंट्री में हम गुड्स को सेल करना चाहते हैं वहाँ के लॉ क्या है, वहाँ के कानून क्या है, वहाँ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि अगर हम गुड्स वहाँ बेचते हैं तो मुझे कुछ हैवी बर्डन ऑफ टैक्स बेयर करना पड़े या कोई स्पेसिफिक लॉ को फुलफिल करना पड़े जो मेरे लिए पॉसिबल ना हो। अगर ऐसा होगा तो हम वहाँ पर कभी भी गुड्स को सेल नहीं करेंगे। तो हमें वहाँ के लॉज को भी अच्छी तरह से जानकारी रखनी पड़ेगी। लास्ट चीज, टैक्स इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट। भाई अगर हम गुड्स को यहाँ से भेज रहे हैं, वहाँ का लॉ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ के भी तो लॉ को मुझे जानना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से भेजने पर कोई मुझे प्रॉब्लम हो जाए, तो यहाँ से भी मुझे देखना पड़ेगा कि हमको क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा अगर हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो। हालाँकि अगर हम आज की बात करें, इफ़ देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, देयर इज़ डिमांड इन द फॉरेन मार्केट एट प्राइस मोर देन डोमेस्टिक मार्केट, वी मे प्रेफर टू सेल इन द फॉरेन मार्केट। अगर मुझे लगता है कि फॉरेन मार्केट में मुझे ज़्यादा पैसे रिकवर हो सकते हैं तो मैं फॉरेन मार्केट में कुछ को सेल करूँगा। नाउ देयर इज़ नो टैक्स इंसेंटिव इन जनरल फॉर एक्सपोर्ट। हालांकि इसका कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज हमको इंडिया से तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ फिर भी, हाउएवर न्यूली इस्टेब्लिश यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर लाइबल फॉर टैक्स एग्जेम्पशन ऑफ ऑन एक्सपोर्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स ऑन फुलफिलमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। यानी कि अगर हम कुछ कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तो हमें ये बेनिफिट दिया जाएगा कि हमको टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा, लेकिन सिर्फ उस लोगों को जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में हैं, बाकी लोगों को ऐसा कोई बेनिफिट मिलने के चांसेस नहीं है।